हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइसेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ गाइस। और ये वीडियो है हमारी समरी है ये 7 चैप्टर की द शू शाइन। ओके, इंग्लिश का है ये चैप्टर जो कि NIOS स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं, इसमें क्या है समरी, ये पढ़ते हैं इस समरी में। ठीक है, इस चैप्टर, ये चैप्टर में है क्या बेसिकली, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये स्टोरी है एक शूशाइन, इसलिए दिया है एक शूशाइन से रिलेटेड। शूशाइन क्या है, जो जूते पॉलिश करने वाले होते हैं हम उनको शूशाइन बॉय भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द राइटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का राइटर कौन है, सस्ती ब्रता अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकटा। सस्ती ब्रता कौन था, ये राइटर था इस स्टोरी का। और इन्होंने क्या है, ग्रेजुएट किया हुआ था कैलकटा से। वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, ये जॉब ये क्या कर रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब देख रहे थे। ओके, ही हैड वेरी लिटिल मनी विच वॉज नॉट सफिशियंट। इनके पास बहुत थोड़े से पैसे थे उस टाइम पे, जो कि सफिशियंट नहीं थे इवन टू बाय फूड, यहाँ तक कि कुछ खाना खरीदने के लिए भी, और अ कप ऑफ टी, एक कप चाय भी नहीं खरीद पा रहे थे ये, क्योंकि इनके पास कोई जॉब नहीं थी, ये जॉब सर्च कर रहे थे और इनके पास कोई पैसे नहीं बचे थे, और ना ये चाय खरीद पा रहे थे, ना कोई स्नैक्स खरीद पा रहे थे, चिप्स वगैरह बिस्किट कुछ नहीं खरीद पा रहे थे। इन फ्रंट ऑफ अ कॉफ़ी हाउस इन कनॉट प्लेस, ये है हमारा दिल्ली में, वहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस है, उसके सामने ही हैपन टू मीट अ शूशाइन बॉय। उन्हें एक शूशाइन बॉय था जो कि मिला था, जिसका नाम था शोवन। ओके, क्या नाम था, शोवन नाम था किसका, शूशाइन बॉय का, जो उन्हें कॉफ़ी हाउस के सामने मिला था। सिंस ही नीडेड अ जॉब बैडली, क्योंकि उन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत बुरी तरह ज़रूरत थी, जॉब की बैडली मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही डिसाइडेड टू टेक अप अ शूशाइन जॉब। उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक शूशाइन की जॉब करने का उन्होंने डिसाइड किया, जूते पॉलिश करने का उन्होंने सोचा। शोवन लाल ट्राई टू डिसोड हिम, शोवन लाल ने क्या किया, उनको रोकने की कोशिश की, एज ओनली एन ऑफिस जॉब वॉज अ सूटेबल जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक हिम। उसने रोकने की कोशिश की क्योंकि ऑफिस जॉब ही सूटेबल होती है किसी भी एजुकेटेड पर्सन के लिए, जैसा कि वो था। कौन, सस्ती ब्रता क्या था, ग्रेजुएटेड थे वो कैलकटा से और उनको जॉब की ज़रूरत थी, तो उनको पास एक रुपए भी नहीं बचे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, शूशाइन की जॉब करने का सोचा। तो शोवन लाल ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने रोका, बट द यंग मैन सस्ती वॉज डिटरमाइंड, जो यंग मैन था सस्ती वो बहुत डिटरमाइंड था, डिटरमाइंड मीन्स बहुत ज़्यादा कि बस अब करना है तो करना है। शोवन लाल ने उसकी मजबूरी को समझा। ही कन्विंड अ मीटिंग ऑफ हिज फेलो, उसने क्या किया, एक मीटिंग कन्विंड की मतलब फिक्स की उसके फेलो के साथ, जो कि वो भी फेलो शूशाइन बॉयज से, और भी जो जूते पॉलिश करने वाले थे उनसे उसने मिलवाया, एंड अलाउड द न्यू कमर टू ज्वाइन द बैंड ऑफ शूशाइन। इनका एक ग्रुप होता था, उसमें इन लोगों ने नए न्यू कमर को ऐड किया, उन्होंने अलाउ किया आने के लिए, ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन उन्होंने रखी, ऑन द कंडीशन डैट ही वुड हेल्प देयर यूनियन, डैट ही वुड हेल्प देयर यूनियन टू करस्पॉन्ड, उनकी वो उनकी हेल्प करेगा टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ होंगी, क्योंकि ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो सस्ती ब्रता को कहा कि वो उनकी हेल्प करेगा, तभी वो उनको अपने बैंड में, अपने ग्रुप में अलाउ करेंगे आने के लिए और उसको ये जॉब करने देंगे। दे इवन कंट्रीब्यूटेड सम मनी टू रेस फंड्स, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ तक कि कुछ पैसे भी कंट्रीब्यूट किए, अपने अपने पैसे लेके उन्होंने उसके लिए फंड रेस किया, टू बाय द किट फॉर
सस्ती किसके लिए, किट खरीदने के लिए सस्ते के लिए। कैसी किट थी? अभी ये किट थी शू शाइन वाली, उनके पॉलिश करने वाली किट होती है ना, कि ब्रश हो गया, पॉलिश के लिए जो जो मटेरियल, जो जो थिंग्स चाहिए होते हैं, वो सब की एक किट उन्होंने ली सस्ती के लिए। कैसे लिया? फंड रेस रेस किया फंड, और अपने अपने पैसे कंट्रीब्यूट किए, एंड दस पेव्ड द वे फॉर अ नीडी पर्सन टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट। और इस पक्के तरीके से उन्होंने एक ज़रूरत आदमी को एम्प्लॉयमेंट दी, रोज़गार दिया इस तरीके से। तो ये है पूरे स्टोरी में, जो इतनी बड़ी आपकी स्टोरी है उसमें ये है। अगर आपके एग्ज़ाम से ये समरी आपकी हेल्पफुल रहेगी, जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपने फटाफट गो थ्रू कर लिया कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, और अगर किसी के पास टाइम बहुत कम है जो नहीं पढ़ पा रहा है जल्दी, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये वीडियोज़ है। तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियोज़ तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक तो करते रहिए, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे मैं जब भी कोई वीडियोज़ डालूँ आपसे रिलेटेड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।